दोस्तों इंडियन सेगमेंट में जितनी भी 150 या 150 से ऊपर वाली सीसी बाइक्स आ जाए, कितनी भी प्रीमियम आ जाए, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा 100 सीसी और 125 सीसी वाली बाइक की ही सेल होती है। जैसे दोस्तों इन गाड़ियों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है कंपेरिजन टू 150 या कोई भी अदर स्पोर्ट बाइक, क्योंकि दोस्तों इन गाड़ियों का मेंटेनेंस काफ़ी लो होता है, बाइक का प्राइस काफ़ी कम होता है और बाइक का जो माइलेज है सबसे इंपॉर्टेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग मुझे पल्सर 125 नियॉन के बारे में पूछ रहे थे कि इस बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बाइक कैसी है भाई, इसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 125 सीसी पल्सर के हम बेस्ट थिंग के अबाउट में, यानी कि क्या क्या इसमें आपको एडवांटेज मिलेंगे अगर आप इस बाइक को खरीदते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पल्सर 125 BS इसके एडवांटेज के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम किसी भी गाड़ी को खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होती है बजट, प्राइस, पैसे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर मैं इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बता दूं तो 91,000, जी हाँ दोस्तों 91,000 रुपये के आसपास इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। अब आपकी सिटी में और हमारी सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि RTO के चार्जेस के ऊपर कि आपके स्टेट में RTO चार्जेस कितना लगता है और हमारे यहाँ RTO चार्जेस कितना रखता है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत अमाउंट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के एडवांटेज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों सबसे पहला इस बाइक का मेरे को जो एडवांटेज लगता है वो है इस बाइक का लुक। जैसे आपको पता है कि दोस्तों आप किसी अदर कंपनी में अगर 125 सीसी बाइक में जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 125 सीसी के हिसाब से जो लुक आपको पल्सर में मिलता है वो लुक आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इस बाइक का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसको एज इट इज़ पल्सर 150 की तरह बनाया गया, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी पूरी पूरी पल्सर 150 जैसी इस बाइक में दी गई है। इसलिए दोस्तों इस बाइक का जो लुक है वो सबसे बड़ा इस बाइक का पहला मुझे एडवांटेज लगता है। सेकेंड है दोस्तों इस बाइक का प्राइस। जैसे आपको पता है कि दोस्तों 91,000 में आपको पल्सर 125 नियॉन BS6 अवेलेबल है, यानी कि मिल रही है। तो दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अगर आप इस प्राइस में अदर सीसी की बाइक में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा और आपको इस बाइक का ऐसा लुक नहीं मिलेगा कंपेरिजन टू अदर बाइक्स। और इसकी जो दमदार क्वालिटी, इस बाइक की जो टैंक है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है और बाइक काफ़ी बड़ी लगती है। तो इस जैसे मेरे हिसाब से पल्सर 125 इज बेटर देन अदर 125 सीसी बाइक्स। दोस्तों इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका थर्ड सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज लगता है इस बाइक का कंफर्ट। जी हाँ दोस्तों अगर आप इस बाइक को नॉर्मली 100 किलोमीटर या 100 से 150 किलोमीटर कंटिन्यू भी अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपके बैक एंड आपके शोल्डर में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों काफ़ी अच्छी बाइक है मुझे लगी पल्सर 125 फॉर कम्फर्टेबल। दोस्तों फोर्थ इसके एडवांटेज के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उसके इंजन की पावर। जैसे दोस्तों इसके इंजन में काफ़ी अच्छा खासा आपको पिकअप एंड पावर दिया गया है पल्सर की तरफ से, सॉरी बजाज की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और वहीं इसकी माइलेज भी काफ़ी खास है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके इंजन की जो क्वालिटी है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी खास है कंपेरिजन टू अदर बाइक्स। तो ये भी चीज़ आपको एक पल्सर 125 में एडवांटेज देखने को मिलता है। दोस्तों इसका फिफ्थ एडवांटेज अगर मैं आपको बता दूँ तो वह है इस बाइक का माइलेज। दोस्तों इस बाइक में आपको 125 सीसी होने के बावजूद 50 से 55 प्लस वहाँ तक 60 तक अगर आपको हाईवे में चलाना है तो आपको आराम से 60 का माइलेज हाईवे में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा माइलेज किसी भी 125 सीसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो माइलेज के भी मामले में ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और जैसे आपको पता है कि इसमें माइलेज तो है साथ में परफॉर्मेंस भी इतनी खास है, तो मेरे हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी और माइलेज में भी। दोस्तों इसके सिक्स एडवांटेज के अगर बारे में मैं बात करूँ तो अगर आप किसी बाइक को खरीदते हैं
किसी बाइक को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुछ चीजें देखते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है प्राइस, सेकंड चीज होती है बाइक की माइलेज, थर्ड चीज होती है बाइक की परफॉर्मेंस। ये तीन चीज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो 91,000 में आपको ये बाइक मिल रही है वैल्यू फॉर मनी। सेकंड आपको परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 125cc के हिसाब से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है पल्सर 125 नियॉन, वो भी चीज आपको मिल रही है। थर्ड दोस्तों आप देखेंगे बाइक का लुक, तो भाई लुक भी आप देख सकते हैं कि पूरी पल्सर 150 की तरह इस बाइक को डिजाइन किया गया, तो इसका लुक भी आपको काफी खास देखने को मिल जाता है। दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक इसका एडवांटेज है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा खासा ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डिस्क भी मिल जाता है, विदाउट डिस्क भी मिलता है, विदाउट डिस्क वाला ऑप्शन भी शायद मिलता है, लेकिन अभी आप इसको डिस्क वाली खरीद सकते हैं 125 को, जिसकी डिस्क के बाद में भी आपको 91,000 में प्राइस में मिल रही है। और इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी खास लगी मुझे, और इसके जो टायर्स है वो भी बजाज ने काफी अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं दोस्तों। तो इजिली आप इस बाइक को आसानी से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कंटिन्यू चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों अगर इसके नेक्स्ट आपको मैं एडवांटेज के बारे में बात करूं तो वो है इस बाइक की कलर। जी दोस्तों, इस बाइक में आपको जो कलर ऑप्शन मिलता है, ग्राफिक ऑप्शन मिलता है, वो भी यहाँ पे बजाज की तरफ से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। वैसे तो दोस्तों आपको ये नियॉन मॉडल है जिसमें ज़्यादा ग्राफिक का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इस बाइक को सामने से देखेंगे तो आपको भी फील होगा कि हाँ भाई बाइक दिखने में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। दोस्तों इस बाइक की लाइटिंग क्वालिटी, इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स में भी आपको इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिकल बजाज की तरफ से डिज़ाइन की गई है। आप आसानी से इस बाइक को नाइट में भी हाईवे पे राइड कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है आपको ज़्यादा ही राइड करना है, रोज़ राइड करना है, तो फिर आपको थोड़े फॉग लाइट लगाने पड़ेंगे अगर आप इसके लेग गार्ड में लगा सकते हैं, जो कि इस बात बाइक की जो भी लाइटिंग परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और उसके बाद तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये हो गया दोस्तों इस बाइक के एडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज है, पहला तो इस बाइक का लुक, इसका प्राइस, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी इंजन क्वालिटी, इस बाइक का कलर, इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम, इस बाइक का इलेक्ट्रिकल्स, इस बाइक की लाइट, इस बाइक की कंफर्ट क्वालिटी, सारी चीज़ें आपको इस बाइक में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे आपको पता है कि हर एक बाइक में अगर एडवांटेज होता है तो हर एक बाइक में डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ ऐसे इसके डिसएडवांटेज है जो मुझे लगे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली है दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज, वो लगती है इस बाइक की इंजन। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे बोले हैं और ये रियलिटी है कि बजाज की गाड़ियाँ जब थोड़ी पुराने होने लगती है तो उस बाइक में भाई बहुत जल्दी इंजन में साउंड आने लगता है। जो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं मैसेज करके, मुझे कमेंट करके, आप लोग बोलते हो कि भाई इसमें इंजन में थोड़ी आवाज़ आने लगती है, टिक टिक करके ऐसी आवाज़ें। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजाज में और हर एक ब्रांड में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जब गाड़ी पुराने होने लगती है, इंजन घसने लगता है, तो थोड़ी तो आवाज़ करने लगती है। अब ये भी डिपेंड करता है हम कि उस बाइक को मेंटेन कैसे कर रहे हैं, मेंटेनेंस कैसे करा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि बजाज की गाड़ियों में थोड़ा सा जल्दी मुझे ऐसा लगा है कि आवाज़ आने लगती है। सेकंड डिसएडवांटेज दोस्तों इस बाइक की वेट। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई पल्सर 125 में वेट थोड़ा कम है, जिस वजह से बाइक को अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं तो राइड तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गाइस अगर आप ज़्यादा चला रहे हैं और आपके बाजू से अगर कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो ऐसा ऐसा फील होता है कि गाड़ी हवे पे थोड़ी हिल रही है, तो ये भी मुझे एक प्रॉब्लम लगी, जो कि मेरे हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे लगा वो इस बाइक की मेंटेनेंस। जो दोस्तों इस बाइक की मेंटेनेंस तो आप अच्छी तरह से करा लेंगे, लेकिन मेंटेनेंस कराने के बाद भी इस बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन हमें फील होने लगता है। तो मैं बजाज वाले से बोलना चाहूंगा कि वाइब्रेशन में थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन जब होता है तो हम जब गाड़ी को राइड करते हैं तो हमें थोड़ा इरिटेशन फील होने लगता है। तो वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गाड़ी वाइब्रेट ना हो, तो वहां पे हमें बाइक चलाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो ओवरऑल दोस्तों बाइक को तो वैसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, इसके एडवांटेज काफी अच्छे हैं। 125cc के हिसाब से मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी बाइक है ये। 125cc में कोई और बाइक आपको ऐसी नहीं मिलने वाली, बहुत सारी बाइक मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए 125 साइन हो गई, 125 SP हो गई, लेकिन उनका जो लुक है वो मुझे वो पुराना लगता है, और जो पल्सर 125 है वो भी लुक पुराना है, लेकिन दोस्तों प्रीमियम लगती है, बहुत बड़ी गाड़ी लगती है, स्पोर्ट बाइक लगती है 125 होने के बावजूद, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है। 91,000 में मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। अब डिपेंड करता है कि आपको ये बाइक पसंद आती है नहीं पसंद आती है। जब आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं दोस्तों,
तो आप शोरूम में जाकर इस बाइक की टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा। टेस्ट ड्राइव करने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना अब डिपेंड करता है कि आपको 125 सीसी पसंद आ रही है या 150 सीसी पसंद आ रही है। तो दोनों में आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा माइलेज चाहिए और जिनका बजट कम होगा वो भाई पल्सर 125 नियॉन बिल्कुल आँख बंद करके ले लीजिए। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप आसानी से इस बाइक को राइड भी कर लेंगे और मेंटेनेंस भी करा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।